जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडोमेनिया पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचपी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि कई सारे पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टोटल कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से इंजीनियर यहाँ पे एलिजिबल हैं, गेट रिक्वायर्ड है या नहीं है, फाइनल ईयर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और लास्टली हम लोग जानेंगे कि कैसे कितना पैकेज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन एचपी की तरफ से आया हुआ है। यदि हम लोग कुछ फाइन डिटेल की बात करें तो कंपनी नेम एचपी है, जॉब रोल मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए है। बैच 2018 से 2021 सभी यहाँ पे एलिजिबल है, मीन्स फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें तो बैचलर डिग्री आप लोगों के पास होना चाहिए, और साथ ही साथ यदि यहाँ पे गेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप लोगों ने यदि गेट का एग्जाम नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीटीसी आपका कॉस्ट टू कंपनी 15 लाख पर एनम होने वाला है, और लास्ट डेट 15th of April 2021 है। और भी कुछ डिटेल में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यदि हम लोग डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी की बात करें तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी डिसिप्लिन के लिए अलग नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल है। जैसे मैकेनिकल के लिए 120 है, सिविल के लिए 30 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 25 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 25 है। मीन्स टोटल यहाँ पे 200 वैकेंसी ओपन है एचपी में। इसके अलावा यदि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि हम लोग बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 3rd of March 2021 से स्टार्ट हो चुका है, एंड जो आपका लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो 15th of April 2021 है। एज लिमिट यहाँ पे रखा गया 25 ईयर यहाँ पे लास्ट एज लिमिट है। और यदि हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग इसके डिटेल में से पढ़ सकते हो, लेकिन जो 2 मेन राउंड होने वाला है वो है एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद आपके टेक्निकल नॉलेज को यहाँ पे इवेल्युएट किया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल डिटेल ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, और यदि आप लोग अभी फाइनल ईयर में हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यदि आप लोग यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप लोग एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्टूडेंट इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फी लग रही है या नहीं लग रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एप्लीकेशन फी है। यदि आप लोग ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 1180 रुपए पे करने होंगे, और यदि आप लोग एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी हो तो आप लोगों को यहाँ पे 1 रुपए पे करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा यदि हम लोग पे पैकेज की बात करें तो पे पैकेज जो होने वाला है वह 15 लाख पर एनम होने वाला है, और पे स्केल 50,000 to 1,60,000 पर मंथ होने वाला है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। यदि आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे और भी कुछ बातें डिटेल में है, उसे आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कितने परसेंट कौन कौन से स्टेप वेटेज रखते हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया गया। इसके अलावा यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हो जिसके लिए आपके पास अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम है, तो आप लोग यहाँ पे लिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है जो आपको रिडायरेक्ट कर देगा एचपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे जाके आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ वैकेंसी यहाँ पे अभी लाइव है, जैसे इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव भी अभी चल रहा है, तो यदि आप लोग उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव भी अभी ओपन है, तो आप लोग यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी होगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, और साथ ही साथ एचपी के जो लिंक होगा जिसपे आप लोग अप्लाई कर सकते हो वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां पे उस लिंक की मदद से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड एलिजिबल है और ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।